नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट रिगार्डिंग इनिशियलाइजेशन एंड असाइनमेंट रूल्स ऑफ द ऑपरेशंस. फर्स्ट वन, फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व करें. सेम एग्जांपल दोनों ही केसेस में प्रोवाइड किया है. फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व करें बाय फॉलोइंग इनिशियलाइजेशन रूल्स. नेक्स्ट वन सेम एग्जांपल विल बी सॉल्व बाय फॉलोइंग असाइनमेंट रूल्स. दोनों ही केसेस में एक्सप्रेशन कैसे हैं, पोस्ट पोस्ट पोस्ट. इन दैट केस ऑल्सो पोस्ट पोस्ट पोस्ट. ओनली डिफरेंस इज दैट हेयर ऑपरेशन इज इनिशियलाइजेशन बिकॉज वाई वाई के रिस्पेक्ट में आते हैं. सेम टाइम पर डिक्लेरेशन भी प्रोवाइड हुआ है, असाइनमेंट भी प्रोवाइड हो रहा है, सम एक्सप्रेशन. बट इन दैट केस वाई इज ऑलरेडी इनिशियलाइज, सॉरी वाई इज ऑलरेडी डिक्लेयर आफ्टर दैट इनिशियलाइज. इस केस में एक्सप्रेशन या ऑपरेशन का टाइप क्या, असाइनमेंट ऑपरेशन. इन नेक्स्ट वन फर्स्ट एग्जाम्पल ऑपरेशन टाइप इज इनिशियलाइजेशन ऑपरेशन. फर्स्ट वन इनिशियलाइजेशन ऑपरेशन. एज वी डिस्कस्ड रिगार्डिंग इनिशियलाइजेशन ऑपरेशन, सॉल्व द गिवन एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड आइडेंटिफाई टाइप ऑफ ऑपरेशन आइदर प्री और पोस्ट. अगर ऑपरेशन का टाइप प्री है देन पहले इंक्रीमेंट देन रिप्लेसमेंट. अगर ऑपरेशन का टाइप पोस्ट है देन पहले रिप्लेसमेंट देन इंक्रीमेंट. इन दैट केस फर्स्ट वन व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस एक्सपेक्टेड प्रोग्राम आउटपुट. इन दैट केस फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्लेरेशन ऑफ एक्स एंड वाई. देयर आर टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई. एक्स इज इनिशियलाइज्ड बाय 1 एंड वाई इज इनिशियलाइज्ड बाय गार्बेज. इनिशियल वैल्यू ऑफ वाई इज गार्बेज बिकॉज वाई का कोई भी इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड नहीं किया. नेक्स्ट वन अकॉर्डिंग टू इनिशियलाइजेशन रूल सॉल्व द गिवन एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन. लेफ्ट टू राइट जब इसको सॉल्व करें सबसे पहले फाइंड आउट क्या हो रहा है इस केस में, पोस्ट इंक्रीमेंट. तो पोस्ट के अकॉर्डिंग पहले रिप्लेसमेंट वाई इक्वल्स टू सबसे पहले इस प्लेस पर क्या रिप्लेसमेंट और इंक्रीमेंट बिकॉज ऑफ पोस्ट. पहले एक्स का वैल्यू रिप्लेस करें, करेंट वैल्यू एक्स का 1 है इसलिए रिप्लेस किया हुआ इसके प्लेस पर 1. इमीडिएटली आफ्टर रिप्लेसमेंट आफ्टर इंक्रीमेंट इन एक्स नाउ एक्स बिकम्स 2. नेक्स्ट वन मल्टीप्लीकेशन. नेक्स्ट वन अगेन पोस्ट इंक्रीमेंट. पोस्ट है तो पहले एक्स का वैल्यू रिप्लेस करेंगे. प्रीवियस केस में एक्स का वैल्यू 1 था इसलिए 1 रिप्लेस हुआ. देन इंक्रीमेंट होने के बाद एक्स की वैल्यू क्या हुई थी, 2. बट इन दैट केस एक्स जब रिप्लेसमेंट पोस्ट के अकॉर्डिंग पहले रिप्लेसमेंट रिप्लेस क्या हुआ, करेंट वैल्यू ऑफ एक्स विच इज 2. इमीडिएटली इंक्रीमेंट इन एक्स अगेन नाउ एक्स बिकम्स 3. नेक्स्ट वन अगेन थर्ड मल्टीप्लीकेशन. अगेन एक्स प्लस प्लस प्री और पोस्ट, पोस्ट इंक्रीमेंट. पोस्ट के अकॉर्डिंग पहले रिप्लेसमेंट रिप्लेस करेंगे ऑलवेज करेंट वैल्यू. इमीडिएटली इंक्रीमेंट इन एक्स नाउ एक्स बिकम्स 4. फाइनली जब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें रिजल्ट क्या आएगा इसका, 6. 6 इज असाइन टू द वाई, y becomes 6. This is the final value of x and y according to initialization rule. Initialization rule के according results क्या आएंगे इसके, x is 4 and y is 6. This is the final output of given example using initialization rules. Next one we are solving same example again but by following assignment rule. Assignment rule के according अगेन चेक द आउटपुट ऑफ गिवन ऑपरेशंस. फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपली इस केस में फॉलो क्या करना है, प्री परफॉर्म ऑल प्री देन असाइनमेंट देन पोस्ट ऑपरेशंस. परफॉर्म ऑल प्री देन असाइनमेंट देन पोस्ट ऑपरेशंस. इन दैट केस अगेन डिक्लेयरिंग टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई. एक्स एंड वाई इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स इज 1. अगेन इस केस में वाई के साथ असाइनमेंट परफॉर्म रहा इसलिए असाइनमेंट रूल से अप्लाई करना है. असाइनमेंट रूल के अकॉर्डिंग परफॉर्म ऑल प्री नन ऑफ प्री इन देम. कोई भी प्री इंक्रीमेंट फाउंड नहीं हो रहा इसलिए प्री ऑपरेशन कितने, 0. 0 मीन्स नथिंग. नेक्स्ट वन प्री के बाद असाइनमेंट. असाइनमेंट के अकॉर्डिंग असाइनमेंट किस में होगा, y में. तो y के अकॉर्डिंग y में वैल्यू असाइन करेंगे तो x के सारे ऑक्रेंस रिप्लेस करेंगे इट्स करंट वैल्यू. x का करंट वैल्यू 1 फाउंड हो रहा है इसलिए ऑल प्लेसेस पर रिप्लेस क्या हुआ, फर्स्ट वन 1 मल्टीप्लाई बाय. सेकेंड प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ, ऑल्सो 1
मल्टीप्लाई बाय थर्ड प्लेस पर भी रिप्लेस करेंगे ऑल्सो 1. नेक्स्ट 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज ऑल्सो 1. नाउ y इज इनिशियलाइज्ड और असाइंड बाय 1. y में क्या असाइन हुआ 1. देन अप्लाई करेंगे पोस्ट ऑपरेशंस. हाउ मेनी पोस्ट आर देयर? देयर आर 3 पोस्ट ऑपरेशंस 1 2 3. तो पोस्ट इंक्रीमेंट कितनी बार अप्लाई करेंगे x में? देयर आर 3 टाइम्स. 3 टाइम x में इंक्रीमेंट करना. x बिकम्स 1 plus 3 इज 4. दिस इज द रिजल्ट ऑफ गिवन सेम एग्जांपल बाय फॉलोइंग असाइनमेंट रूल 4 एंड 1. चेक कर सकते हैं जब सेम एग्जांपल प्रीवियस केस में इनिशियलाइजेशन रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं रिजल्ट क्या मिला 4 एंड 6. बट इन दैट केस 4 एंड 1 दोनों केसेस में x का वैल्यू क्या है एग्जैक्टली सेम बिकॉज x में टोटल ओवरऑल 3 टाइम्स इंक्रीमेंट परफॉर्म है. इनिशियल वैल्यू क्या है x का 1. अगर इनिशियल वैल्यू 1 है 3 टाइम इंक्रीमेंट का चाहे इनिशियलाइजेशन रूल्स के अकॉर्डिंग फॉलो करें या असाइनमेंट रूल फाइनली इंक्रीमेंट के अंदर टोटल देयर आर 3 इंक्रीमेंट्स देयरफॉर फाइनली x विल गॉट 4. क्लियर?